Hey guys, welcome back to my channel. तो guys, आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ नया वीडियो. तो guys, आज की वीडियो में न्यू इवेंट के बारे में बात करेंगे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया न्यू इवेंट आया guys. तो सभी को चेकआउट करेंगे और देखते हैं हम वहाँ से क्या ले सकते हैं. तो वो सभी को मैं लेने का कोशिश भी करूँगा. तो सबसे पहले गाइज, लुगिया पावर आ चुका है, लुगिया का इवेंट आ चुका है. तो यहाँ से गाइज सबसे बढ़िया चीज़ मेरे लिए, तो गाइज एक चीज़ आया है, मतलब सबसे बढ़िया चीज़ मेरे लिए गाइज प्लेट्स आया है गाइज. तो प्लेट्स में मुझे नॉर्मल टाइप प्लेट्स चाहिए था, तो गाइज मुझे नॉर्मल टाइप प्लेट्स यहाँ से मिल जाएगा. तो और तो गाइज सब सेम ही आया है, और एक नया पोकेमॉन आया है, उसे आप कंसिडर कर सकते हो, यहाँ से ले सकते हो. पर यहाँ से मत लेना गाइज, क्योंकि जब इसका मतलब 6 डेज कंप्लीट हो जाएगा, 6 डेज के बाद आप इसे 1 वीक सेक्शन वाउचर में ले सकते हो. जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास ईवी नहीं था, तो गाइज मैंने ईवी 1 वीक सेक्शन वाउचर से ले लिया. अगर आपके पास एलोनन मियोट नहीं है या फिर टोरोस नहीं है, तो ये सभी आप 1 एक्सचेंज वाउचर से ले सकते हो. तो गाइज स्पिन में खर्चा मत करना, 1 एक्सचेंज वाउचर से आप लोग 1 वीक सेक्शन वाउचर से आप लोग पोकेमॉन ले सकते हो. तो यहाँ से आप लोग क्या लेना गाइज, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा एफोर्ड वैल्यू लेना या फिर एडवांस पॉफिन लेना. उसके बाद अगर ये दोनों ले लिए, उसके बाद आप ले सकते हो कैंडीज, और उसके बाद गाइज प्लेट्स. यार प्लेट्स तो बहुत ज़रूरी है, 6 डेज के बाद प्लेट्स भी लेना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आप लोग ले लेना. तो गाइज यहाँ से तो गाइज बस इतना ही है, और कुछ नया आया नहीं है. तो नया गाइज रिवॉर्ड्स मतलब इवेंट्स में बहुत ही नए नए इवेंट्स आए हैं, तो वो मैं सब आपको बता देता हूँ. तो सबसे पहले आया है एनी टॉपअप. तो एनी टॉपअप में गाइज मतलब आप डेली टॉपअप करो, आपको टॉपअप का रिवॉर्ड मिलेगा. और गाइज डेली रिवॉर्ड में आप देख लो, यहाँ पर ग्रीन पोनीटा आया गाइज. तो ग्रीन पोनीटा आप यहाँ से ले सकते हो, आज नहीं कल ले सकते हो गाइज ग्रीन पोनीटा. तो यहाँ से आप ग्रीन पोनीटा इजीली ले लोगे गाइज. और यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूस टॉपअप. तो कंटिन्यूस टॉपअप पहले 7 दिन का आता था, अब गाइज 28 डेज तक अगर कंटिन्यूस टॉपअप को करता है तो 30 वीप सेक्शन वाउचर तक मिल सकता है, और मीडियम क्लास प्लेयर्स भी मिल सकते हैं. तो गाइज ये तो नया आया कुछ, लेकिन 28 डेज तक रेगुलर टॉपअप करना पड़ेगा. तो गाइज उसके लिए तो बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं, और बहुत लोग कर भी नहीं पाएंगे. और गाइज यहाँ पर 100 वीप सेक्शन वाउचर्स आप ले सकते हो, मतलब 100 गाइज मतलब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये इवेंट 28 डेज के लिए गाइज, मतलब 28 डेज भाई, 28 डेज तक कोई वीप सेक्शन का इवेंट नहीं आएगा. तो 28 डेज में आपको ये 100 वीप सेक्शन वाउचर ही चलाना पड़ेगा. तो ये मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि अगर देखा जाए 35 वीप सेक्शन वाउचर 3 वीक्स में 35 से आप 105 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 28 डेज में आपको 100 वीप सेक्शन वाउचर मिला. तो यहाँ पर तो गाइज थोड़ा सा तो मतलब इन्होंने कंजूसी करी है. और गाइज एक और बहुत ख़राब चीज़ है, होपा का फ्लूट मिल रहा है गाइज. पहले होपा का फ्लूट नहीं मिलता था, होपा के लिए टिकट्स मिलता था, वो टिकट से ले सकते थे. अगर जिस और गाइज जिन्होंने टिकट ले लिया है वो अब होपा को नहीं ले सकते, मे बी फ्यूचर में आए इवेंट, लेकिन अभी तो नहीं ले सकते, क्योंकि अब उससे फ्लूट लेना पड़ेगा. तो जिसने लिया था, जिसने कलेक्ट करा था, उन्हें तो गाइज बहुत बड़ा घाटा होने वाला. तो नेक्स्ट इवेंट में चले जाते हैं. तो नेक्स्ट इवेंट गाइज सबसे मेन हाईलाइट है, तो वो है यहाँ पर कायोगर का कन्वर्जन स्टोन आ चुका है गाइज. और विप सेक्शन वाउचर से आप कायोगर का फुल सेट ले सकते हो, उसका एक्सक्लूसिव अटैक्स ले सकते हो, और एक्सक्लूसिव गियर भी ले सकते हो. और गाइज डायनसी का भी कन्वर्जन स्टोन आया, और डायनसी का भी फुल सेट आया है, गियर वगैरह एंड फुल सेट सब आ चुका है. और ये गाइज अवेक स्टोन है, ये अवेकन स्टोन आई डोंट नो ये क्या है, तो ये तो हम नहीं लेने वाले. ये तो मैं कहूँगा आप लोग को मत लो, क्योंकि अभी यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है कायोगर का कन्वर्जन स्टोन लेना. कायोगर का कन्वर्जन स्टोन लो, उसके बाद इसका गियर लो, उसके बाद ही कुछ और सोचना. क्योंकि गाइज डांसी मेगा डांसी करने में बहुत ही ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, $300-$500 भी लग जाते हैं. तो गाइज यहाँ से लेना तो बहुत मुश्किल ही है, या फिर अभी जो इवेंट्स आया है वहाँ से आप लोग बीस्ट एक्सचेंज से भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा मतलब टिकट्स लग जाएगा. तो गाइज यहाँ से आप कायोगर का कन्वर्जन स्टोन अगर ले सकते हो तो वो लेना, उसके बाद गाइज गियर लेना, उसके बाद ही कुछ सोचना. तो अब नेक्स्ट इवेंट में आ जाते हैं गाइज. नेक्स्ट इवेंट में ये टॉपअप करने के बाद आपको मिलेगा, और उसके बाद भी
आपको मे बी टॉप अप करने के बाद ही मिलेगा। और उसके बाद गाइज फेस्टिवल इवेंट में आ जाते हैं। फेस्टिवल इवेंट में लक्की मतलब कोई भी आदमी टॉप अप करता है अपने सर्वर में, उसमें अगर वो लक्की है तो उसे ये रिवॉर्ड मिलेंगे। और कार्निवल सिंगल मतलब टॉप अप, गाइस सिंगल टॉप अप करते तो आपको सिंगल टॉप अप 60 का करते हो तो ये रिवॉर्ड मिलेगा 300 का, ये तो ये भी कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर गाइस आपको ये बहुत बढ़िया मिला, अगर आपके पास डायमंड है और अगर आप डायमंड खर्चा करते हो तो आपको स्किल वाउचर और गियर वाउचर मिलेगा। तो यहाँ से आप एटलीस्ट वन गियर और वन स्किल किसी का भी ले सकते हो, तो ये फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके लिए आपको 10,000 डायमंड खर्चा करने पड़ेंगे। तो गाइज 10,000 तो नहीं, 5,000 कर सकते हो। अगर कर लोगे तो गाइज आपको एक गियर और एक स्किल दोनों मिल जाएगा गाइज। और उसके बाद टाइम लिमिटेड में देखते हैं, तो टाइम लिमिट में गाइज यहाँ पर टॉप अप करके ये सब रिवॉर्ड मिलेंगे, तो ये कोई काम का नहीं है। और मतलब स्पिन में भी एक नया पोकेमॉन आया है गाइस, तो इसे तो मैं कहूँगा आप लोग मत लो क्योंकि ये इतना वर्दी नहीं है, क्योंकि डायमंड बहुत सारे खर्चा होंगे ना गाइस। और उसके बाद बोनस इवेंट में वही नॉर्मल सा गाइस, वीप सेक्शन वाउचर से आप ये टिकट्स ले सकते हो और वहाँ से अपना पोकेमॉन ले सकते हो। और लास्टली गाइस यहाँ पर आप लॉग इन करते हो, ये बहुत बढ़िया चीज़ आया गाइस। अगर आप 28 डेज तक लगातार लॉग इन करते हो तो यहाँ देखो आपको 35 मतलब रूइन एडवांस रूइन स्टोन मिलेगा, और इधर 15 तो गाइस 35 प्लस 15 गाइस 50 एडवांस रूइंस तक मिल सकता है। और यहाँ पर रूइंस भी आपको मिल जाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया इवेंट है। और यहाँ से डायमंड्स भी मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, इसमें एफोर्ड वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं आप, सॉरी इंडिविजुअल वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल वैल्यू को अगर आपको किसी भी पोकेमॉन दो पोकेमॉन का एक्सचेंज करना है तो ये कार्ड यूज़ करके आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो। तो गाइज आज की मतलब वीडियो में इवेंट्स के बारे में हम लोग सब बात कर ले, लेकिन मेन मैंने कहा था कायगोर का कन्वर्जन स्टोन लेने का। तो गाइज कायगोर का कन्वर्जन स्टोन लेने के लिए मुझे 29 वीप सेक्शन वाउचर और चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से इसका गियर ले सकता हूँ। पर देखते हैं, अभी भी मेरे पास 105 कॉफ़ी है, तो वहाँ से मैं देख लेता हूँ रिडीम करके कितने सारे रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 55 कॉफ़ी एक बार में करा मैंने, तो यहाँ पर 11 तो ले लिए गाइस, 82 हो गया, लेकिन और भी लेना है। पर मैंने, मुझे नहीं लगता गाइस मैं ले पाऊँगा सारे के सारे, क्योंकि 100 वीप सेक्शन वाउचर चाहिए और मेरे पास सिर्फ 92 हुए हैं। तो यहाँ से मैं इसका गियर तो 100% ले सकता हूँ। तो गाइस चलिए फटाफट मैं अपना कायोघर के लिए गियर ले लेता हूँ, और कायोघर का कन्वर्जन स्टोन भी मैं लूँगा, लेकिन टॉप अप करना पड़ेगा गाइस। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कलेक्ट करके टॉप अप करूँगा और वीडियो भी बना दूँगा। तो चलिए फटाफट कायोघर का गियर ले लेते गाइस। तो ये गियर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, और कायोघर कन्वर्जन के बाद क्या होता है, उसका एबिलिटी क्या है, वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपने कायोघर के पास चलते हैं। तो गाइस कायोघर वाटर एंड आइस टाइप हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा एडवांटेज होगा। तो ग्रास और इलेक्ट्रिक वीक पॉइंट है, लेकिन और थोड़ा ज़्यादा वीक पॉइंट हो जाएगा मेरे ख्याल से, फाइटिंग टाइप भी हो जाएगा वीक पॉइंट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इवॉल्व अगर होता है तो उसके बाद मैं बता देता हूँ इसका एबिलिटी क्या हो जाएगा। तो एबिलिटी हो जाएगा रैगिंग वेव। रैगिंग वेव में क्या काम करता है गाइस, ये भी मैं आप सभी को बता दूँ। तो गाइज ये एबिलिटी से गाइज आपका 5 राउंड तक हैवी रेन हो जाएगा, 5 राउंड तक हैवी रेन होगा, और गाइज आइस टाइप 30% बढ़ जाएगा, और ब्लीजिंग टेटरी हुआ तो गाइज उसमें 20% स्पीड बढ़ जाएगा। तो उसके लिए एक्सक्लूसिव मूव यूज़ करना पड़ेगा, उसके कारण आपका कायगर का 20% स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो गाइज और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका अटैक 180 से स्पेशल अटैक 180 से 195 हो जाएगा। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा होगा, और HP भी बढ़ जाएगा, लेकिन स्पीड उतना का उतना ही रहेगा। पर गाइज ये बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप कन्वर्जन कर सकते हो तो कर लेना गाइज। अगर आप कायोघर यूज़ करते हो तो गाइज कन्वर्जन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं वीकनेस पॉलिसी यूज़ करा था, लेकिन अब गाइज मैं इससे इसका ओरिजिनल मतलब इसका एक्सक्लूसिव गियर दे देता हूँ गाइज। तो ये बहुत ही बढ़िया है, और इसे मैं अपग्रेड भी कर दूँ, देखते हैं कहाँ तक अपग्रेड कर। तो चलिए इसे अपग्रेड भी कर लेते हैं, मेरे पास अपग्रेड के लिए सारे सामान तो है, तो उससे मैं लेवल 2 तक ही अपग्रेड कर पाऊँगा, जिसका पावर 32% बढ़ चुका है गाइस। 32% बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये भी बहुत बढ़िया था। अब मेरे कायोघर का पावर थोड़ा तो और ज़्यादा बढ़ ही जाएगा गाइस, और मैं कायोघर का एक्सक्लूसिव मूव दिखा दूँ गाइस। तो कायोघर कन्वर्जन होने के बाद
आइस टाइप भी हो जाता है। और उसके बाद गाइस उसका फ़ायदा है क्या है और बेफ़ायदा क्या है वो मैं सब बता देता हूँ। तो चलिए फटाफट कन्वर्जन करके देख लेते हैं। देखो कन्वर्जन में वाटर एंड आइस टाइप हो जाता है गाइस। तो गाइस इसमें आइस टाइप इंटू टू तक रेसिस्ट कर लेता है तो बहुत बढ़िया बात है। और गाइस इसका वीकनेस आप देखो यार, फाइटिंग एंड रॉक टाइप का भी वीकनेस बढ़ चुका है। तो ये थोड़ा मतलब बेफायदा का चीज़ है, लेकिन कन्वर्जन के बाद ये फ़ायदा है गाइस, अगर हैवी सनी वेदर है तो हैवी सनी वेदर में भी ये कायगर कन्वर्जन के बाद वाटर टाइप मूव यूज़ कर सकता है। तो ये गाइस बहुत ही बढ़िया है, वाटर स्पॉट आप बढ़िया से यूज़ कर पाओगे गाइस। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज लगा। और गाइस इसका डिसएडवांटेज है थोड़ा, लेकिन इसमें एडवांटेज भी है। एसपी डिफेंस गाइस बहुत ही बढ़िया है, तो इससे डिफेंस टाइप मतलब स्पेशल डिफेंस बहुत ही बढ़िया कर देता है। स्पेशल अटैक टाइप पोक्यूमन के आगे ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा गाइस, इसीलिए ये पोक्यूमन बहुत ही बढ़िया है। अगर आप यूज़ कर सकते हो तो गाइस पक्का इसे यूज़ कर दूँगा। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो कल मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि गाइस कल मैं थोड़ा ज़्यादा ही काम कर रहा था और थक गया था। और गाइस मैं 912 सब्सक्राइबर तक पहुँच चुका हूँ और जल्दी से 1K भी हो ही जाएगा गाइस हमारा। तो 950 सब्सक्राइबर जब पहुँचेगा उसके बाद 950 या 960 सब्सक्राइबर जब पहुंच जाएगा गाइस उसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा मतलब गिव अवे के लिए। तो उसके बाद आप लोग वहां पर जाके कमेंट करना, उसके बाद गिव अवे मतलब 1K पहुंच जाएगा उसके बाद मैं गिव अवे कर दूंगा गाइस। तो गिव अवे में आप सभी को फिर से मैं बता दूँ, VIP 2 दूँगा 2 बंदे को गाइस। तो यही था आज की वीडियो गाइस, और होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। और कायगर भाई अगर यूज़ करते हो तो उसका कन्वर्जन स्टोन जरूर लेना और उसका गियर भी जरूर लेना। अगर उसका एक्सक्लूसिव मूव ले सकते हो तो वो भी लेना, वो सब भी बहुत ही बढ़िया है गाइस। तो होप करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।